इट्स मी रहना कौशिक। आज का वीडियो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सीक्रेट स्ट्रेटजी बता रही हूँ मैं किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए, बेसिकली फॉर नेट जेआरएफ इन केमिस्ट्री। अगर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने पहले से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी है नेट के लिए और फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज मत कीजिए। होपफुली कि आप अपनी स्ट्रेटजी को ही फॉलो कीजिए, जो आप पढ़ रहे हैं आप उसी को फॉलो कीजिए। सबकी स्ट्रेटजी मत सुना करिए, काफ़ी सारे लोग आपको अलग अलग अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं और सबकी डिफरेंट होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट के बेस पे जेआरएफ को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि उनका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टार्टिंग से। पर ये सबके लिए तो नहीं होता। हमको क्या करना पड़ता है, हमको तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप श्योर नहीं है कि आपका क्लियर होगा कि नहीं होगा, इसलिए आपको तीनों पर फोकस करके चलना होता है। तो इस स्ट्रेटजी को सीक्रेट मैंने क्यों कहा है कि इसमें आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से टॉपिक्स को फाइंड आउट कीजिए, एनालाइज कीजिए पेपर को। सो यही सीक्रेट स्ट्रेटजी है कि आपको काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि आप पहले पेपर सॉल्विंग कीजिए, क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिए। इसको वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग करना। मैं मेरे हर वीडियो के एंड में भी क्वेश्चन ही बताती हूँ, पहले कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन, क्योंकि बिना क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर आउट नहीं होते। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप बताइए कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप क्वेश्चन लेके बैठ गए, तो आपको ये तक पता नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आप ये भी समझ नहीं पाएंगे तो आपको सॉल्व कैसे करेंगे। पॉइंट तो बनता है ना ये, जैसे कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो खुद गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हुए हैं या बहुत छोटे एरिया से कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देती हूँ, मैं बहुत छोटे एरिया से बिलोंग करती हूँ, छोटा सा एरिया है, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने स्टडी की है, नो कोचिंग या फिर कोई कोचिंग फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम पास आउट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसका लेवल वैसे भी डाउन है, तो हम किसी कॉम्पिटिशन को क्लियर कैसे करेंगे। इसलिए हम सबसे पूछते हैं कि क्या करें या फिर कोचिंग ज्वाइन करें, इस टाइप का होता है। सो उनके लिए मैं बताती हूँ कि आप किस तरह से खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी बता रही हूँ ताकि आप अपनी खुद की बना सकें, किसी और की फॉलो मत कीजिए। जो आपकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप खुद की स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको कौन सा एक सब्जेक्ट करना है, दोनों करनी है या तीनों करने हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे अगर देखा जाए तो कंपटीशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टडी मटेरियल मिल रहा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो सब पढ़ने लग गए हैं और सबका कॉम्बेस क्लियर हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को भी स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको सभी करके जाना है। और जैसा कि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ इंक्रीज होता जा रहा है, मिनिमम 20 मार्क्स की आपको पूछी ही जाएगी। इसलिए आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को प्लीज़ कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। किसी टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप स्किप कर ही नहीं सकते। आपको तीनों आनी चाहिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल की। अब बात करते हैं पेपर सॉल्विंग पे। पेपर सॉल्विंग का जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको आएगा नहीं तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इनऑर्गेनिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा टाइम से स्टेटमेंट बेस आ रही है, आपको कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आप बहुत अच्छी सी कोई बुक लीजिए, कोई भी बुक लीजिए जिसके अंदर आपके सिलेबस के टॉपिक्स हो, उसको बैठ के पहले पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नहीं भी कर पाते तो भी बस उसको आप क्लियर कीजिए, उसके बाद में ही आप क्वेश्चंस को हाथ दीजिए, उससे पहले नहीं। कॉन्सेप्ट उस पर बहुत बहुत मायने रखने लग गए हैं। ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक में क्या हो रहा है कि अगर आप कोई बुक लेके बैठेंगे, सबसे अच्छी बुक है क्लेडन की, अगर आप वो बुक लेके बैठते हैं तो क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कई बार पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं पीछे भूलते जाते हैं। उस कंडीशन में ऑर्गेनिक में सिर्फ चार टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक, फोटो केमिस्ट्री एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस ये चार टॉपिक आप किसी भी बुक से पढ़िए, बाकी आप क्या लीजिए, क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, पर्टिकुलर रूल, जब आप अप्लाई करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल पे, किसी रिएजेंट को अप्लाई करेंगे तो आपको वो याद रहेगा। अगर आप सीधा पढ़ेंगे रिएजेंट तो आप भूल जाएंगे, इसलिए आप उसको सीधा क्वेश्चन से याद कीजिए। क्वेश्चन पहले देखिए, उसका सॉल्यूशन उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद में उसको आप बिना देखे आपको ट्राई कर सकते हैं, तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये बात हुई ऑर्गेनिक की। फिजिकल के लिए क्या है कि फिजिकल के टॉपिक्स तो फिक्स है कि उनसे दो दो क्वेश्चन आएंगे, काइनेटिक के दो क्वेश्चन, इलेक्ट्रो के दो क्वेश्चन, तो उसमें आपको स्किप नहीं कर सकते। उसके लिए सिंपल सा है कि सभी फॉर्मूलाज को आप पहले लिखिए,
एक दो पेपर में लिख लीजिए, उसके बाद में अपने दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करने की सेल्फ कोशिश कीजिए। फिजिकल ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपको देख के सॉल्व करने हैं, फिजिकल के आपको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तभी आपका कैलकुलेशन टाइमिंग इंप्रूव होगा। अगर आप उसको देख के सॉल्व कर लेते हैं तो फॉर्मूला सबको आता है, पर वो उसको आपको एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना नहीं आएगा। तो ये तो रहा पेपर को एनालाइज करना, उसको अटेम्प्ट करना। मैंने पिछले 3 साल के पेपर के सभी टॉपिक्स लिखे हैं कि किसमें से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बेसिस पे मुझे कुछ प्रश्न जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जो इस बार ही पूछे जा सकते हैं। सो वो एनालिसिस और वो क्वेश्चंस वो मैं आपको बताऊंगी अभी वीडियो में। तो वो मेरा पर्सनल इंटेंशन है कि हाँ इससे टॉपिक आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं सही हूँ तो आप उसको पढ़ के एक बार जरूर जाइएगा, और अगर आपकी अलग स्ट्रेटेजी है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में और उनको कैसे पढ़ना है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहले हम रिसेंट पेपर से स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2018 का पेपर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर आउट कर देती हूँ कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है वो मिनिमम हर एग्ज़ाम में 20 मार्क्स कंज्यूम कर रहा है, भले आप रिसेंट के देखें या लास्ट ईयर्स के देखें। ओल्ड पेपर्स देखेंगे तो उनके अंदर क्या है, NMR, IR और बेसिकली ESR वगैरह पे ही ज़्यादा फोकस था। अभी क्या हो गया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस दिए जा रहे हैं, जैसे कि साथ में फॉस्फोरस NMR पूछ लेगा आपको, इनऑर्गेनिक NMR, इनऑर्गेनिक IR पूछ लेगा, जो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल टॉपिक्स हैं और इतना ज़्यादा लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो अभी पहले ये था कि रोटेशनल वाइब्रेशनल उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, अब थोड़ा उसको डिफरेंट किया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंसिडर। जैसे कि अगर आप दिसंबर 2018 का पेपर देखेंगे तो ऑर्गेनिक NMR और कार्बन NMR से रिलेटेड 3 पार्ट में ही 2 क्वेश्चंस थे। इनऑर्गेनिक IR स्पेक्ट्रा के 3 क्वेश्चंस मैंने पर्टिकुलरली देखे थे, 3 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक IR से। अगर आपने उसको पढ़ा है, एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है। रोटेशनल रमन से एक था, फॉस्फोरस NMR और ESR से एक एक था, 20 मार्क्स मिनिमम ये कंज्यूम कर रहा था। अब देखिए इनऑर्गेनिक में बेसिकली हम कहते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक और कोऑर्डिनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको करके ही जाने होते हैं। बट रिसेंटली ये हो रहा है कि इनमें वेरिएशन कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन वेरिएशन किसी पेपर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑर्गेनोमेटेलिक और कोऑर्डिनेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा पूछता है। और कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनके अंदर वो उनके यूज़, जैसे कि मेटल मेटल बॉन्ड या 18 इलेक्ट्रॉन रूल या फिर उनकी ज्योमेट्री या जॉन टेलर, इस तरह के एप्लीकेशंस ज़्यादा पूछ रहा है। जहाँ तक मैंने कंसिडर किया है लास्ट 2 to 3 पेपर में क्या हो रहा है कि आपको क्वेश्चंस तो आ रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक और कोऑर्डिनेशन से, स्कोरिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन से तो पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन के और उसके स्पेक्ट्रा रिलेटेड, वो भी बहुत रेयर पूछ रहा है, और मेनली रिएक्शन मैकेनिज्म भी पूछ रहा है। या फिर अगर अगर स्टेटमेंट पूछता है तो वो कई सारे स्टेटमेंट दे रहा है। पिछले 3 पेपर से ऐसे हो रहा है कि स्टेटमेंट बेस हो गया है। इनऑर्गेनिक में आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक से बेसिकली रिएक्शंस ही पूछी जा रही है। ज्योमेट्री से रिलेटेड अगर एक ही क्वेश्चन होगा या क्लस्टर की क्लोजोनेडो टाइप का होगा बस, उसके अलावा उसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल इतना नहीं पूछ रहे हैं। मेटल मेटल बॉन्ड नहीं पूछा है, मेटल मेटल बॉन्ड नहीं पूछा है। इस टाइप से आप देख सकते हैं दिसंबर 2018 में इनऑर्गेनिक में इनका बेसिक फोकस था एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, रिएक्शन मैकेनिज्म पे, और था इनका मेन ग्रुप एलिमेंट्स पे। लैंथेनॉइड्स के तो अगर आप देखेंगे तो लैंथेनॉइड्स का आपको हर पेपर में 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर पेपर में स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो ये तो आपको करना ही इसेंशियल है। बट मेन ग्रुप एलिमेंट जैसे कि बोरेन्स या फॉस्फोरस हो गए, उनमें इन्होंने क्या किया कि स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर आपको उसमें पूछते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, इनकरेक्ट कौन कौन से हैं। इसलिए मेन ग्रुप एलिमेंट्स ने इनऑर्गेनिक को टफ बना दिया है कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर पेपर्स। और जो लोग इनऑर्गेनिक की बुक से पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ पाते, वो जस्ट उसका बेसिक पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन के बेसिक, जॉन टेलर वगैरह वगैरह, वो उसका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं करते। और यही आप पे आपके इनऑर्गेनिक इसलिए आपको टफ लग रही थी पिछले 2 पेपर से।
ये हुई इनऑर्गेनिक की बात। ऑर्गेनिक में बेसिकली वो रिएजेंट केमिस्ट्री को प्रिफर करते हैं, जिसकी ऑर्गेनिक स्टार्टिंग से है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका रिएजेंट अगर आपने नहीं पढ़े तो आप बेसिक रिएजेंट्स पढ़ के जाइए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएजेंट पढ़ लीजिए जो स्पेसिफिक है, वो डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके अलावा वो पूछता है फोटोकेमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक से, आपको सिंगल क्वेश्चन मिल ही जाएगा। इस बार फोटोकेमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक से क्वेश्चन आए थे बट इतने ज़्यादा नहीं आए थे इस बार, कंपेयर टू लास्ट ईयर कम आए थे। तो 2018 में बेसिकली आई थी ऑर्गेनोमेटेलिक की कपलिंग रिएक्शंस ऑर्गेनिक में। सो यही मैंने बोला कि इस बार ऑर्गेनोमेटेलिक इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। स्टीरियोकेमिस्ट्री से दो क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट आपको ऑप्टिकली एक्टिव बताना था कि विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, और एक और क्वेश्चन था। तो इस टाइप से इस बार स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको दो क्वेश्चन से, उसमें एक तो उसके अंदर ही आर एस नॉमेनक्लेचर था, ऐसे पर्टिकुलरली आर एस नॉमेनक्लेचर नहीं पूछा था, स्टेबिलिटी ऑर्डर का भी एक ही क्वेश्चन था, आपको कंफर्मेशन निकालने का नहीं पूछा गया था इस बार मेनली। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म से ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आते ही है, आप SN1, SN2, E1, E2 ये सब एक बार ही पढ़ के जाएं और बेसिक जो रिएजेंट्स हैं वो पढ़ के जाएं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पेरीसाइक्लिक और फोटो से कम आए हुए क्वेश्चन इस बार। क्वांटम के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आया था हक्कल से, पर्टर्बेशन से, पार्टिकल इन अ बॉक्स, हर्मिशियन ऑपरेटर, मतलब क्वांटम का एक भी टॉपिक उन्होंने नहीं छोड़ा, क्वांटम पे बहुत ज़्यादा बेस फोकस था और साथ में ही ग्रुप थ्योरी से भी बहुत ज़्यादा फोकस था, तीन क्वेश्चन आए थे। अगर आप फिज़िकल कर रहे हैं तो फिज़िकल बहुत इजी क्यों रहती है कि कई बार क्या होता है फिज़िकल में, एक तो आप देखिएगा कि काइनेटिक और सॉलिड स्टेट से एक दो क्वेश्चन फिक्स है। फिज़िकल में टफ पार्ट आता है थर्मो और क्वांटम, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। किसी पेपर में आपको थर्मो के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और किसी पेपर में आपको क्वांटम के मिल जाएंगे। अदर जितने भी टॉपिक है, इलेक्ट्रो काइनेटिक सॉलिड स्टेट पॉलीमर्स, इन सब के आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन पर्टिकुलरली मिलेंगे, ये आपको इक्वली ही करना है ग्रुप थ्योरी वगैरह, सिर्फ इन दो के बीच में डिबेट चलता रहता है। इस बार क्वांटम ने बहुत ज़्यादा स्कोरिंग था और क्वांटम बहुत ईजी लेवल की भी आई थी, इसलिए ईजीली आप कर सकते थे। सो इस बार क्वांटम ईजी थी और ये फिज़िकल का लेवल नॉर्मल था, फिज़िकल इजी था और इनऑर्गेनिक थोड़ा टफ था, हार्ड बोल सकते हैं, और ऑर्गेनिक मिक्स टाइप था, मिक्स टाइप, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस उसके अंदर इंक्लूड हो गई तो वो ऑर्गेनिक में ही काउंट की जाएगी। एक क्वेश्चन रहता है बायो इनऑर्गेनिक, कहते हैं बायो इनऑर्गेनिक कैसे करना। सो बायो इनऑर्गेनिक हर बार दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, तो बायो इनऑर्गेनिक भी इसेंशियल हो गया है, ये छोटा टॉपिक है, आता ही है। ठीक है, तो ये तो हुआ इस बार का। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको सबसे पहले करनी है और फिर आपको कंपेयर करना है कि आपको फिजिकल में किस पे ज़्यादा फोकस करना है और ऑर्गेनिक में किस में। अब देखिए, जैसे कि आप जून का पेपर देखिए, जून 2018 के पेपर में भी मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिखे हैं, NMR, कार्बन NMR, इनऑर्गेनिक NMR, मास स्पेक्ट्रा से भी आया था यहाँ पे, और UV का भी आया था, इनऑर्गेनिक IR, रोटेशनल, रमन रोटेशनल, इन सब के आए। अब यहाँ पे मैंने देखा कि जून 2018 में इनऑर्गेनिक IR से क्वेश्चन आए थे दो और दिसंबर में आए थे तीन, तो इनऑर्गेनिक IR काफ़ी ज़्यादा वेटेज रख रहा है इस बार में। तो मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आप एक बार इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ के जाएँ, IR और NMR दोनों। IR पूछा गया है, NMR इससे लास्ट ईयर भी पूछा गया था, थोड़ा ज़्यादा वेटेज वाला। सो अकॉर्डिंग टू मी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। सो मैंने इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वो देख सकते हैं, उसको मिस आउट मत कीजिएगा। अब देखिए, टर्म सिंबल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था पिछले दो पेपर में, जो क्वेश्चन आया वो डायरेक्ट टर्म सिंबल नहीं पूछा गया, उसके रिलेटेबल कुछ कंफ्यूजिंग करके पूछा गया था। तो होपफुली इस बार मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट टर्म सिंबल या मॉलिक्यूलर सिंबल पूछेगा। जून 2018 के पेपर में पेरीसाइक्लिक के चार क्वेश्चन आए थे, पार्ट सी से, सीधा पार्ट सी से क्वेश्चन आए थे, पेरीसाइक्लिक ने बहुत ज़्यादा वेटेज रखा था और रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह ने वेटेज रखा था। अब ध्यान देखिएगा, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, जून पेक के पेपर में IUPAC नॉमनक्लेचर आया था बाईसाइक्लिक कंपाउंड से, जबकि दिसंबर में जो क्वेश्चन आया था उसमें डायरेक्ट कोई नॉमनक्लेचर नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा था स्टीरियोकेमिस्ट्री में
आर एस नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे आया बाईसाइक्लिक, वहाँ पे आर एस नॉमेनक्लेचर। और बेसिकली जो रिएजेंट केमिस्ट्री पूछते हैं वो ऑर्गेनिक तो डिफरेंट ही हो जाती है, इसमें बस तीन चार आपके स्टीरियो केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री, ये चार टॉपिक होते हैं जो आपको फिर भी इसमें से स्कोर करवा सकते हैं। अब देखिएगा कि पेरीसाइक्लिक इस बार कम आई है, लास्ट ईयर ज़्यादा आई थी, तो होपफुली इस बार कम से कम उसके दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे। तो पेरीसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री को आप वेटेज दे के चलिएगा। एरोमेटिसिटी और स्टेबिलिटी ऑर्डर से एक एक क्वेश्चन था, इस बार मुझे लग रहा है कि ये आपको कन्फर्मेशन दे के पूछेगा कि आपका या तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा या उसका चेयर या बोर्ड फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आ सकता है, क्योंकि दो वो पेपर से नहीं आया है। अगर हम क्वांटम की बात करें तो क्वांटम के लिए यहाँ पे आया था फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन कम्यूटेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी वैल्यू और पर्टर्बेशन। ध्यान दीजिएगा, पर्टर्बेशन दोनों बार आई है, हाइब्रिडाइजेशन इस बार आया, इस बार लास्ट बार आया हुआ, पहले नहीं आया था। और जब हार्मोनिक ऑसिलेटर पूछा है तो 1D बॉक्स नहीं पूछा है, तो और कम्यूटेटर ये जनरली पूछ लेता है या फिर हर्मिशियन ऑपरेटर या कम्यूटेटर पूछ लेता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वेरिएशन प्रिंसिपल, वेरिएशन प्रिंसिपल पूछ सकता है आपसे, या फिर आपसे ये फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्टर्बेशन से एक दो क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वांटम से तो मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो आएंगे ही, थर्मो के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे इस बार, तो थर्मो के कम क्वेश्चन थे, बट लास्ट पेपर में मैंने तो 3 ही लिखे हैं, 3 से ज़्यादा ही क्वेश्चन थे। काइनेटिक और बाकी सबके 1-1 क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, 1-2 1-2 क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि उस टाइम कोऑर्डिनेशन वगैरह से क्या आया था, तो उस लास्ट जून के पेपर में कोऑर्डिनेशन से उसकी बेसिक्स आए थे, जैसे कि इस बार रिएक्शन मैकेनिज्म पूछा गया था, उस बार पूछा था मैग्नेटिक मोमेंटम या उसके स्पेक्ट्रा या डीजेनरेसी या ज्योमेट्री, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, मेटल कार्बोनेल, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, ये सब ज़्यादा क्वेश्चन थे। और इस बार ऐसा नहीं था, मेन ग्रुप एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा वेटेज रख रहा है इनऑर्गेनिक के लिए, तो मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आप एक बार मेन ग्रुप एलिमेंट अगर कर सकते हैं तो उसको कंप्लीट कीजिएगा, जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज। वैसे इस बार मुझे लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक से सिंपल उसके बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आएंगे। जून 2017 का पेपर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ग्रुप थ्योरी ने बहुत ज़्यादा स्कोरिंग था, उसके बाद में ग्रुप थ्योरी एक बार ही मिस आउट हो गई थी, इसीलिए ग्रुप थ्योरी इस बार काफ़ी ज़्यादा आई थी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के जो क्वेश्चंस आए थे वो कलर ट्रांजिशन रिलेटेड आए थे या लिगेंड रिलेटेड आए थे, आइसो इलेक्ट्रॉन वेस्पर थ्योरी पूछी गई थी। जून के बाद में वेस्पर और इनके क्वेश्चन काफ़ी कम आए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार इनसे आएंगे ही आएंगे। आयुपेसिक नॉमेनक्लेचर में भी बाईसाइक्लिक आया था, नेक्स्ट दिसंबर में आर एस नॉमेनक्लेचर आ गया था। लैंथेनॉइड्स के दो क्वेश्चन नॉर्मली हर एक में आते हैं, लैंथेनॉइड्स और बायो इनऑर्गेनिक तो आपको पता ही है कि इनमें से दो दो क्वेश्चन आएंगे। क्वांटम में यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग देखिए कि वेरिएशन थ्योरम से क्वेश्चन आया था और नोड से रिलेटेड और ऑपरेटर और 1D बॉक्स थे, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वेरिएशन प्रिंसिपल, एंगुलर नोड्स, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं, मैंने इस पे क्वेश्चन के वीडियो बना दिए, आप उनको ज़रूर देखिएगा, इस बार इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। काइनेटिक के 3 क्वेश्चन थे, ये जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वही आए थे, और थर्मो का थोड़ा वेटेज ज़्यादा था, होपफुली थर्मो भी इस बार काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखेगी। मैं प्रीफर करती हूँ जून 2017 का पेपर सबके लिए, कि ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, इस टाइप का पेपर पैटर्न इस बार देखने को मिल सकता है। अकाउंटिंग के पेपर में जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं उसमें यूवी स्पेक्ट्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मुझे लग रहा है कि इस बार भी यूवी से आ सकता है, क्योंकि दो पेपर से नहीं आया है, तो यूवी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख सकता है। मास स्पेक्ट्रा के भी आया था, मतलब स्पेक्ट्रो तो आई थिंक आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब करके जाना चाहिए, स्पेक्ट्रो वेरी इंपॉर्टेंट। और काइनेटिक में बेसिकली काइनेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे दिसंबर 2017 में। क्वांटम तो आप इजीली गैस कर सकते हैं, देखिए क्वांटम में डीजेनरेसी, ऑपरेटर, कम्यूटेटर, 1D बॉक्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर आया, जैसा कि मैंने बताया, तो इसमें पर्टर्बेशन और वेरिएशन नहीं पूछा था, जो मिस आउट हो जाता है वो नेक्स्ट ईयर दे देते हैं। सो इस बार जैसे कि मिस आउट हुआ है वेरिएशन और एंगुलर नोड्स या ये नोड्स वगैरह मिस आउट हुए हैं, तो इस बार इनका प्रिफरेंस होगा। पेरीसाइक्लिक के 4 क्वेश्चन आए थे, काफ़ी वेटेज रखा था पेरीसाइक्लिक ने, फिर एक गैप के बाद में फिर सेकंड पेपर में फिर से पेरीसाइक्लिक ने वेटेज रखा था, और इस बार इतना वेटेज वाला पेरीसाइक्लिक का क्वेश्चन नहीं आया है, तो मे बी इस बार पेरीसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मिनिमम 2-3 क्वेश्चन लेके जाएंगे। स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था,
मैंने कहा जैसे कि स्ट्रक्चर का इस बार जैसे क्वेश्चंस नहीं आए हुए दो बारी से, तो इस बार आ सकता है स्ट्रक्चर का। 2017 का पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी टाइप था, उसके बाद में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया इनऑर्गेनिक को लेके। क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चंस आ रहे थे लाइक टर्म सिंबल निकालिए, माइक्रोस्टेट निकालिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर निकालिए, क्लस्टर बताइए, आइसोलोबल एनालॉगी बताइए, तो इस बार नहीं आ रहे थे। सो मुझे लग रहा है कि इस बार इनऑर्गेनिक का पेपर शायद पिछली बार जैसे हो सकता है, बाकी रिस्क नहीं ले सकते। मेन ग्रुप एलिमेंट्स इसको थोड़ा टफ बना देते हैं स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, मैग्नेटिक मोमेंटम, कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रा, ये सब पूछा गया था। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म या स्टेटमेंट्स को लेके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे दिसंबर 2017 के पेपर में। अब अगर आप जून 2016 का पेपर जाएं, एक साल और पीछे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कि यहाँ पे उस आपके दिसंबर वाले से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक से, और काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। जैसे मेटल मेटल बॉन्ड काफ़ी टाइम से नहीं पूछा गया है जून के बाद में, तो इस बार आ सकता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स वगैरह। ये बार स्पेशली कलर और स्पेक्ट्रा जो नहीं पूछा गया है, कलर्स नहीं पूछे गए हैं, इस बार ही आ सकता है जो पिछली बार काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। पेरीसाइक्लिक से दो क्वेश्चन और फोटोकेमिस्ट्री से नॉर्मली दो क्वेश्चन इसमें आए थे, उसके बाद में वो इंक्रीज हो गए थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिजिकल में क्वांटम फिर भी नॉर्मल थी, ज़्यादा वेटेज रखा था थर्मोडायनेमिक्स और ग्रुप थ्योरी ने, और उसके बाद में ग्रुप थ्योरी स्किप हो गई थी एकदम से। तो ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि इस बार भी थर्मो के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो मे बी इस बार थर्मोडायनेमिक से क्वेश्चन आ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। और मुझे लग रहा है कि कार्नोट साइकिल इस बार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जून 2016 के बाद में। जैसे फिजिकल में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वेरिएशन थ्योरम, कम्यूटेटर और नोड्स वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क किया है। थर्मोडायनेमिक से मुझे लग रहा है इस बार क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आएंगे, दो तीन क्वेश्चंस आएंगे थर्मोडायनेमिक के, तो आप देख के जाएं एक बार। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि ग्रुप थ्योरी इस बार वापस से स्किप हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मी ग्रुप थ्योरी का इस बार जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा टफ था, काफ़ी सारे लोगों का वो गलत हुआ था। सो इस बार ग्रुप थ्योरी आएगी, डेफिनेटली आएगी, बट कंपेयर टू इजी आएगी। नॉर्मल आपको कैरेक्टर टेबल देके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप ग्रुप थ्योरी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को काफ़ी टाइम से उतना वेटेज नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। काइनेटिक्स में एंजाइम कैटालाइज कंटिन्यूसली आ रहा है, सो होपफुली तो आना चाहिए, बेटर रहेगा अगर आता है तो। मे बी ये स्किप हो सकता है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा वेटेज मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मी। सो फिजिकल केमिस्ट्री का लेवल इस बार भी मीडियम रहेगा, वैसे कुछ टॉपिक्स को लेके इजी रहेगा और कुछ को लेके थोड़ा टफ रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इस बार इनऑर्गेनिक शायद थोड़ा इजी कर दें, क्योंकि पिछली दो बार से काफ़ी थोड़ी टफ आ रही है। सो जनरली मुझे दिन पे डेफिनेटली लग रहा है कि आ सकते हैं। तो कलर ऑफ स्पेक्ट्रा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एंड मेटल मेटल बॉन्ड और आइसोमेरिज्म, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आइसोमेरिज्म तो डेफिनेटली 110% आएगा और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी, तो इस पे आप ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा मेन ग्रुप एलिमेंट, जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी टाइम से वेटेज लेके चल रहा है, और ऑर्गेनोमेटेलिक की रिएक्शन मैकेनिज्म, ये दोनों दो तीन बार से काफ़ी ज़्यादा वेटेज लेके चल रहे हैं, तो एक बार इनको छोड़िएगा मत। बट बेसिकली मुझे लग रहा है कि इस बार इनऑर्गेनिक का पेपर थोड़ा इजी रहेगा, तो आप इस पर थोड़ा फोकस रहें। और टर्म सिंबल और माइक्रोस्टेट से इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पिछले दो बार से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो वैसे तो रिएजेंट्स पूछे जाते हैं, आपको उसको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा, ऑर्गेनिक का कोई ट्रिक नहीं है, नथिंग इज ईजी ऑर्गेनिक में। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि पेरीसाइक्लिक जैसे पिछली बार थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा वेटेज वाला आया था, सो इस बार मेरे को लग रहा है कि इस बार भी ये नॉर्मल वेटेज लेके ऑफकोर्स होगा। और इस कन्फर्मेशनल एनालिसिस आई थिंक पूछ सकता है आपको, चेयर या बोर्ड फॉर्म रिलेटेड काफ़ी टाइम से नहीं पूछा है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉमन क्लेचर में मुझे लग रहा है कि कायरल एक्सिस या प्लेन से रिलेटेड नॉमन क्लेचर आपको
पूछेगा डायरेक्ट नोमेनक्लेचर का इस बार क्वेश्चन, मैं होपफुली कर रही हूँ। मतलब ये कुछ टॉपिक्स है जो मुझे लग रहे हैं कि हाँ इस बार आ सकते हैं, और इनऑर्गेनिक मुझे लग रहा है इस बार इजी होगी, शायद ऑर्गेनिक थोड़ी टफ हो जाए। सो इस टाइप से आपको पेपर का एनालिसिस करना है, मैंने आपको ये बताया है। अगर आप इसके बाद में भी ट्राई करेंगे तो भी इस टाइप से आप पहले पेपर के बारे में सब टॉपिक्स नोट डाउन कीजिए और देन आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए, तो ये होपफुली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। सो होपफुली आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।